हाय गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग एज 9017। यहां बात करते हैं टेक्नोलॉजी की इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। अगर आपका बजट 1 लाख रुपए से ऊपर का है और आप अपने लिए एक नया लैपटॉप देख रहे हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर आपको उसमें दो चीजें चाहिए। पहली बात तो वो बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखना चाहिए और इनफैक्ट होना भी चाहिए, और दूसरी बात वो बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो कौन सा लैपटॉप लें? अलग अलग ऑप्शंस हैं फ्रॉम एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एचपी और भी 10 कंपनी से। तो आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए? कोई भी नहीं। नो सीरियसली, हियर मी आउट, इस टाइम पे कोई लैपटॉप मत लो। दिस इज प्रोबेबली द वर्स्ट टाइम टू बाय कोई भी लैपटॉप। द बेस्ट टाइम टू बाय इज आज से 2-3 महीने बाद, प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे। और उस टाइम पे भी कौन से लैपटॉप्स हैं जिन पे की आपको नजर रखनी चाहिए और फिर तब उस टाइम पे ले लेना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। तो अभी रिसेंटली ही मैंने डिसाइड करा है कि मैं अपना लैपटॉप अपग्रेड कर लूं, बिकॉज पहले तो मुझे मेरा भी करंट लैपटॉप थोड़ी थोड़ी दिक्कतें दे रहा था, और प्लस मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा और पावरफुल लैपटॉप चाहिए ताकि अपना ऑफिस का काम बेटर कर पाऊँ या फिर मैं ये वीडियोस और ज़्यादा बेटर शूट कर पाऊँ। तो इन्हीं सब चक्करों में मैंने फाइनली डिसाइड करा कि मैं अपना लैपटॉप अपग्रेड कर लेता हूँ, और मेरा बजट भी कुछ ऐसे ही है, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे और बहुत ज़्यादा रिसर्च करी सीरियसली, और इनफैक्ट शोरूम्स में भी जाके मैंने हर लैपटॉप जो जो मुझे पसंद आ रहा था इस रेंज में मैंने ट्राई करा। और अब फाइनली कंक्लूजन ये है, निचोड़ इस बात का ये है कि टोटल 4 लैपटॉप्स हैं जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट हैं इस प्राइस रेंज में, बट स्टिल अभी उन्हें परचेज करना इज लाइक टोटल बेवकूफ़ी। आप थोड़ा सा टाइम रुको, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे लेंगे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप वेट करो, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। जो भी आपकी प्राइस रेंज में बेस्ट आता है, आप आंख बंद करके उसे परचेज कर लो। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद एनी ऑफ दीज डिवाइसेस, जिनमें से कि एक एप्पल बेस्ड है और बाकी 3 विंडोज बेस्ड है। तो इन 4 लैपटॉप के बाहर ट्रस्ट मी आप इधर उधर मत भागना और देखना वेखना, क्योंकि ये 4 आर हैंड्स डाउन दी बेस्ट ऑप्शन अगर आपका बजट 1 से 1.5 लाख रुपए। तो पहला ऑप्शन इज Apple का MacBook Pro 13 inches, दूसरा ऑप्शन इज Dell XPS 13, तीसरा ऑप्शन इज Microsoft Surface Book 3, एंड नंबर 4 Razer Blade Stealth 13। तो एक एक करके एक बार इन सब के बारे में बात कर लेते हैं, और आप देख लो कि इन चारों में से बेस्ट सुटेबल आपके लिए कौन सा है इन चारों में से। बट अगर आप कोई भी लेते हो, यू कैन नॉट गो रॉन्ग, ये चारों ही बेस्ट ऑप्शंस हैं इस प्राइस रेंज में। तो पहला लैपटॉप जो आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आपका बजट 1 लाख से ऊपर का है, तो इट हैज टू बी एन एप्पल मैकबुक प्रो 13 इंचेस। अब 1 लाख रुपए से ऊपर की बात हो और उसमें आप मैकबुक की बात ना करो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब क्या है कि एप्पल के मैकबुक्स इतने सारे हैं कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं कौन सा लूं। तो पहले मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूं, मैकबुक एयर लेस फीचर्स लेस पावरफुल, मैकबुक प्रो ज्यादा फीचर्स ज्यादा पावरफुल। तो फॉर द टाइम बीइंग आप मैकबुक एयर का तो ऑल टुगेदर हटा ही दो। अगर हम 1 लाख रुपए से ऊपर दे रहे हैं तो हमें चाहिए एक पावरफुल प्रीमियम लैपटॉप विद लॉट्स ऑफ फीचर्स। तो एयर हटा दो, लेट्स टॉक अबाउट प्रो। अब प्रो के अंदर भी इतनी सारी जनरेशन हैं, 2018 वाला मॉडल, 2019 वाला मॉडल, 2020 वाला मॉडल, बट 2016 से लेकर 2019 तक के जितने भी मैकबुक प्रोज हैं दे आर फ्लॉड। उनके अंदर बहुत सारी डिजाइन वाइज दिक्कतें हैं जिसके बारे में कि मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले भी बनाई है, मैं उसका लिंक यहां पे या फिर यहां पे छोड़ देता हूं, आपको जरूर चेकआउट करना। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, सबसे बड़ी दिक्कत जो इन सारे लैपटॉप्स के साथ है वो है उसका नया कीबोर्ड मैकेनिज्म जिसका नाम है बटरफ्लाई कीबोर्ड्स। तो बेसिकली अब लैपटॉप इतना पतला है तो कीबोर्ड को भी और ज्यादा पतला करना पड़ा, उसके लिए एप्पल ने ये नया कीबोर्ड डिजाइन इंट्रोड्यूस करा। तो अब जब भी कुछ भी टाइप करते हो तो क्या होता है, कभी कभी ना डस्ट पार्टिकल्स इस कीबोर्ड के अंदर फंस जाते हैं, तो या तो कीज दबती नहीं है, और अगर वो दबती हैं तो कभी कभी क्या होता है कि 1 से 2 बार टाइप हो गया, मतलब आपने ए अगर एक बार ही प्रेस करा है बट वो 3 या 4 बार प्रेस हो गया। तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग कीबोर्ड है, इवन दो एप्पल इस कीबोर्ड की 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी प्रोवाइड करता है। एज एन आपका लैपटॉप अगर मान लो 1 साल बाद आपके लैपटॉप की वारंटी खत्म हो गई, बट आपको कीबोर्ड में अगर इशू आ रहा है तो एप्पल 4 साल और तक उसको ठीक करने की जिम्मेदारी लेता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बट देन अगेन 15-15 दिन तक यार एप्पल का लैपटॉप आपका सर्विस सेंटर में पड़ा रहेगा तो मेक्स नो सेंस। तो 2019 तक के जितने भी मैकबुक प्रोज हैं, डू नॉट बाय इट नो मैटर व्हाट।
तो बेसिकली अब 2020 वाले मॉडल में इन्होंने क्या करा कि वही डिजाइन जो आपको 19 वाले मॉडल्स में भी देखने को मिलता है, वही वाले डिजाइन में अपना पुराने वाला ट्राइड एंड टेस्टेड सुपर बढ़िया वाला कीबोर्ड, मैजिक कीबोर्ड वापस इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब टेक्निकली ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि यार आपको नया डिजाइन भी मिल गया, कीबोर्ड भी ट्राइड एंड टेस्टेड मिल गया, और ऑब्वियसली इन्हें प्रोसेसर वगैरह भी अपग्रेड कर दिए। तो फिर अब 2020 साल में सोचना कैसा, आज ही जाके ले लो? वेल नो, इन्होंने अब भसड़ पाल दी अपने ये जून वाले इवेंट में, जिसमें कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करा कि भाई अभी आने वाले सितंबर अक्टूबर में दे आर अबाउट टू लॉन्च न्यू मैकबुक प्रोज, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि यार 2020 के एंड में, मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास, एप्पल अपने नए मैकबुक प्रोज लॉन्च करेगा, जिसके अंदर की जो चिप होगी, प्रोसेसर चिप, वो एप्पल की ही डिजाइन चिप होगी। मतलब अभी तक आपने सुना होगा कि जो आपका मैकबुक है वो i5 प्रोसेसर पे चल रहा है, i5, i7 या i9 पे चल रहा है, जो कि इंटेल की चिप्स है। बट अब एप्पल कह रहा है कि अब आप हमारी बनाई हुई चिप्स वाले मैकबुक प्रोज भी खरीद सकते हो। तो फायदा ये है कि जब एप्पल खुद ही अपनी चिप्स मैन्युफैक्चर करके अपने मैकबुक प्रोज में इंट्रोड्यूस करेगा, तो लैपटॉप वो और ज्यादा फास्ट हो जाएगा और ज्यादा पावर एफिशिएंट हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि भाई आईफोन्स इतने फास्ट इतने फ्लूइड होते हैं, या फिर आईपैड प्रो इतना बढ़िया है, इतना फास्ट इतना फ्लूइड है, क्योंकि उसके अंदर जो चिप्स हैं वो भी एप्पल की हैं, और जो हार्डवेयर है, मतलब एज इन जो आईपैड है या फिर जो आईफोन है, वो भी एप्पल का खुद का है। तो थोड़ा बेटर कंपेटिबिलिटी की वजह से और ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। तो अब यही चीज अब एप्पल मैकबुक प्रोज में भी करने वाला है। बट अब इसके अंदर और भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि यार सारे एप्स डे वन से सपोर्टेड नहीं होंगे, और पूरे ट्रांजिशन को 1 से 2 साल लगेंगे। बट देन जिस चीज के लिए लोग यू नो स्टार्टिंग में एक मैकबुक लेते हैं, जैसे कि फाइनल कट प्रो हो गया फॉर वीडियो एडिटिंग, या फिर एडोबी का फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, और एडोबी की एप्लीकेशंस हो गई, ये सब डे वन से ही सपोर्टेड होगी क्योंकि एप्पल ऑलरेडी उनके साथ काम कर रहा है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। बट एप्पल साथ में सिर्फ अपनी चिप्स वाली मैकबुक प्रो लॉन्च नहीं कर रहा, बट इंटेल की भी नई चिप्स वाला मैकबुक प्रो लॉन्च करने वाला है। अब आई एम श्योर कि आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो हर साल का ड्रामा है कि नया कोई भी लैपटॉप आएगा विद बेटर प्रोसेसर एंड स्पेक्स, तो क्या हम साला लेना ही बंद कर देंगे कोई भी चीज? और जब 2020 वाले में एक बढ़िया डिजाइन है ही, और साथ में अब कीबोर्ड भी ठीक हो गया, तो हम वेट क्यों करें? हम आज लेते हैं, हम 3 महीने का क्यों वेट करें? आई नो, वेरी लॉजिकल आप जिस हिसाब से सोच रहे हो, बट एप्पल ने ना एक बहुत तगड़ा गेम खेल दिया है 2020 वाले मैकबुक प्रोज के साथ। अब एप्पल ने क्या करा, उसने आपको नया मैकबुक प्रो 2020 नाम से दे तो दिया विद अपग्रेडेड कीबोर्ड एंड एवरीथिंग, बट उन्होंने ना कई जगह ना बहुत ज्यादा चलाकियां कर दी। अब आई नो, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि मैं टेक स्पेक्स बता बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा और आपके लिए सिंपल रखूंगा, बट सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। इस टाइम पे जो लेटेस्ट इंटेल के प्रोसेसर हैं वो है 10th जनरेशन के 2020 में, बट एप्पल ने क्या करा, अपने ये ही मैकबुक प्रो 2020 मॉडल के अंदर जो ये बेस वाला जो मॉडल है जो आपको 1,22,000 के आसपास कॉस्ट कर रहा है, उसके अंदर इन्होंने जो आपको प्रोसेसर दिए वो है इंटेल का i5 8th जनरेशन, और वो भी बहुत हल्का सा 1.4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर। और सिर्फ यही नहीं, साथ में जहां आपको पहले 4 थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिलते थे, अब मतलब वो साइड में जो यूएसबी टाइप सी वाले पोर्ट्स होते हैं जो कि 2 इधर होते थे और 2 इधर होते थे, अब उन्होंने वो कम करके सिर्फ 2 कर दिए, 4 की जगह अब बस वो 2 हैं। तो अगर यार मैं 1,22,000 रुपए दे भी रहा हूं, उसके अंदर बेशक आपने वो कीबोर्ड का जो फ्लॉ है वो ठीक कर दिया, बट आई एम स्टिल गेटिंग बेस मॉडल के अंदर, मतलब 1,22,000 वाले मॉडल में मुझे सिर्फ 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिल रहे हैं, और साथ में जो मुझे कॉन्फ़िगरेशन भी मिल रही है वो भी बहुत हल्की मिल रही है, और प्रोसेसर भी 8 से 2 साल पुराना वाला मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी अभी मेरे 2018 वाले मैकबुक प्रो के अंदर है। अब डेफिनेटली आप इसके अंदर और ज़्यादा अपग्रेड भी कर सकते हो, 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर, इंटेल का i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर ले सकते हो, बट उसके लिए देन अगेन आपको 1,75,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सो वेट करो थोड़ा सा और बस सिर्फ 2-3 महीने की बात है, एक बार एप्पल को अपने खुद के प्रोसेसर्स वाला भी मैकबुक लॉन्च करने दो, और इंटेल के भी नए मैकबुक प्रोज लॉन्च करने दो, और अभी जो भी आप मैकबुक प्रो जो आपको लगता है आपके बजट में फिट आ रहे उसके ऊपर भी नजर रख के रखो कि उसके प्राइसेस कैसे कैसे बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, और फिर सितंबर अक्टूबर तक सारे मैकबुक प्रोज को एक बार देखना और देखना आपके बजट में कौन सा बेस्ट फिट आता है। तब तक हो सकता है ये वाले भी और थोड़े से सस्ते हो जाएं,
और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन सा MacBook Pro बेस्ट है हमारे लिए 2020 में, जो कि हमें लेना चाहिए अब। बट अगर आपका काम ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है कि बिना MacBook Pro के मेरा काम नहीं हो सकता, और आप विंडोज लैपटॉप्स से भी ओके हो, तो ट्रस्ट मी, तीन और ऑप्शंस हैं जिसके बारे में कि मैं आगे बात करने वाला हूँ। दूसरा लैपटॉप जो कि आपको कंसीडर करना चाहिए 1 से 1.5 लाख की रेंज में, अगर आप एक नया लैपटॉप ले रहे हैं, तो इट हैज टू बी डेल XPS 13। दिस इज हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट विंडोज लैपटॉप इन द मार्केट राइट नाउ। ये पहली बात तो इतना ही ज्यादा सुंदर लैपटॉप है, इतना प्रीमियम लगता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी तगड़ी है, और कलर ऑप्शंस इसमें इतने सुंदर सुंदर हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और सिर्फ वही बात नहीं है, इसका स्लीक डिजाइन, इसका कैमरा या फिर इसके पतले बेजल्स, मतलब बहुत ही सही लैपटॉप है ये। और इसका अगर आप देखोगे ना कि यार स्क्रीन साइज इतना ज्यादा बढ़िया है, कीज इसकी इतनी बढ़िया है, टच पैड इतना बढ़िया है, तो ये एक ऐसा लैपटॉप है कि अगर आप इसे आज लेना चाहते हो ना, तो आप आज भी ले आओगे तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग। डिजाइन ऑन पॉइंट, प्रोसेसर ऑन पॉइंट। बाय द वे, वैसे मैं आपसे बोलता कि मैं स्पेक्स की बात नहीं करूंगा और मैं अभी भी नहीं कर रहा, बट जस्ट टू टेल यू, इसके अंदर सब कुछ लेटेस्ट है, वही मतलब मस्त नई वाली रैम है, नई वाली SSDs हैं, प्रोसेसर भी वो 10th generation, सब कुछ लेटेस्ट है। और प्राइस भी इसका वही है, 1,20,000 के आसपास का है, और जैसे जैसे आप कॉन्फिगरेशन बढ़ाते रहोगे तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर होता रहेगा, और इसमें टच स्क्रीन मॉडल्स वगैरह भी आते हैं, तो विच एवर इज कन्वीनियंट टू यू। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप थोड़ा सा रुक सकते हो ना, मतलब सिर्फ 1-2 महीने या फिर 2-3 महीने, तो आप रुक जाओ। रीजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ड्रास्टिक हो जाएगा मैकबुक के केस की तरह, ऐसा कुछ नहीं है, बट हो सकता है आपको थोड़ा सा और बेटर प्राइस मिल जाए, क्योंकि एक तो पैंडेमिक है, फिर अब एप्पल भी नए नए मैकबुक्स लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है डेल थोड़े बहुत इस पे और ज्यादा ऑफर्स और डील्स वगैरह दे दे और आप थोड़ा सा और पैसा बचा लो। बट इन केस अगर सुपर अर्जेंट है और आपको आज भी चाहिए, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग, गो एंड बाय इट, नो प्रॉब्लम्स देयर। बट मेरा पॉइंट, मैं इसे आज क्यों नहीं लेके आ रहा, इज जस्ट बिकॉज कि मुझे जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी होती है फॉर मे बी यूट्यूब या और थोड़ा बहुत ऑफिस का काम, तो मुझे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि मैक पे बेटर चलते हैं, फाइनल कट प्रो हो गया या मोशन हो गया या 2-3 ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, तो इसीलिए आई स्टिक टू मैकबुक। अगर ये सब चीजें नहीं होती तो अभी तक मैं XPS 13 ले आया होता, सीरियसली। अच्छा, एक चीज और, अभी तक हमने दो लैपटॉप्स की बात करी है, दैट इज एप्पल का मैकबुक प्रो और ये अपना डेल XPS 13। ये जो दो लैपटॉप्स हैं, ये इमीडिएटली इंडिया में अभी भी अवेलेबल हैं। अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए कि यार मुझे आज ही चाहिए लैपटॉप, तो ये दोनों अवेलेबल हैं। बट अब जो मैं दो लैपटॉप्स की बात करने वाला हूँ, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस बुक 3 या फिर रेजर ब्लेड स्टील 13, ये दोनों मॉडल्स अभी भी इंडिया की वेबसाइट पे कमिंग सून दिखा रहे हैं, तो ये अभी इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, ये आने वाले 2-3 महीने बाद इंडिया में आएंगे। बट क्योंकि मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में लिख देते हैं कि यार हमारे जो रिलेटिव हैं वो पैंडेमिक के खत्म होने के बाद, मतलब इंडिया में आने वाले हैं US, कैनेडा या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, तो अगर कोई लैपटॉप्स इसी प्राइस रेंज में भी है तो आप हमें उनके बारे में बताओ। तो इसीलिए ही मैं इन दो लैपटॉप्स को भी इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, सो दैट आपको पता हो कि यार अगर मैं 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ तो कौन कौन से मेरे पास ऑप्शंस हैं, बेशक मैं वो ले पाऊं या ना ले पाऊं, सोर्स कर पाऊं बाहर से या ना कर पाऊं, बट ये सारे लैपटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं इस प्राइस रेंज में जो कि बेस्ट है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्फेस बुक 3 के बारे में। अब माइक्रोसॉफ्ट की जो ये सर्फेस लाइनअप है ना, ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, पता नहीं कौन कौन से सर्फेस के वो लाइनअप चल रहे हैं, सर्फेस लैपटॉप 3, सर्फेस प्रो 7, सर्फेस एक्स, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। बट अगेन, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मैं पूरी मार्केट छान आया हूँ और मैं सब कुछ सर्च कर आया हूँ कि भाई क्या कौन सा बेस्ट हो सकता है, सो माइक्रोसॉफ्ट का जो आपको कंसीडर करना चाहिए 1 से 1.5 लाख में, सो दैट हैज टू बी, और मेरे ख्याल से 1 से 1.5 लाख भी नहीं, ये 1.5 लाख या 1,60,000 तक आ जाएगा ये, तो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3। अब इस लैपटॉप का सबसे ब्यूटीफुल फीचर ये है कि या तो आप इसे टैबलेट की तरह यूज कर लो,
या फिर आप इसे फुल फ्लेज्ड लैपटॉप की तरह यूज कर लो। अब जनरली होता क्या है कि जो इस टाइप के लैपटॉप्स होते हैं ना, मतलब ये 2-in-1 वाली कैटेगरी वाले, वो इतने पावरफुल नहीं होते। बट विद सर्फेस बुक 3 आपको ये सब इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि ये लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइस है। वही जो अभी हमने डेल XPS की कॉन्फ़िगरेशन की बात करी या मैकबुक की कॉन्फ़िगरेशन की बात करी, आप मान के चलो कि आपको वही उतनी ही पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन आपको लैपटॉप में मिल जाएगी विद एन एडिशनल फीचर, जिसमें कि आप इसको डिटैच करके सिर्फ आप स्क्रीन को एज अ टैबलेट यूज कर सकते हो। तो ये वाला लैपटॉप मेरे दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि मैंने एक टाइम पे कंसीडर करा था कि यार चलो मैकबुक तो मैं ले लेता हूँ और साथ में आईपैड प्रो भी ले लेता हूँ कि वो मस्त पेंसिल लेके घुमा घुमा के उस पर चीजें बनाऊंगा और 10 अलग अलग चीजें करूंगा। सो आई थॉट कि यार काश मैं कोई एक ऐसा ही लैपटॉप ले लूँ कि जिसके अंदर की मेरी ये दोनों चीजें पूरी हो जाएं। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार इतना फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन है, इतना सुंदर लैपटॉप है, कॉन्फिग्रेशन भी ऑन पॉइंट है और टच स्क्रीन भी है, और सिर्फ ये नहीं कि आप ऐसे सामने टच कर रहे हो स्क्रीन पे, बट आप ऑल टुगेदर उसे निकाल के और फिर यूज कर सकते हो। तो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसे कि यार वो टैबलेट वाला भी एक्सपीरियंस चाहिए, टच वाली चीजें भी चाहिए और एक फुल फ्लेज्ड पावरफुल लैपटॉप भी चाहिए, तो सर्फेस बुक 3 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। ये US वगैरह में इजिली अवेलेबल है, बट अगेन थोड़ा सा प्राइस ऊपर है। सो इसीलिए मैं बार बार इस पे एम्फोसिस कर रहा हूँ ना कि आप 2-3 महीने और वेट करो। दैट इज बिकॉज जो ये बेस्ट बाय, amazon.com, जो ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं, इन पर बहुत सारे अलग अलग डील्स और ऑफर्स आते रहते हैं और आपको बहुत सही सही इस पे क्रेजी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। और क्योंकि ये वही वाली चीज कि पैंडमिक है और भी कंपेटिटर्स नए ला रहे हैं, तो हो सकता है कि इनके प्राइसेस थोड़े से नीचे आ जाएं या फिर डील्स आ जाएं। और सर्फेस बुक के बारे में ना कुछ और एक खास चीजें भी हैं। अब जैसे एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्मूथ के होते हैं, इतने ज्यादा फ्लूइड के होते हैं और इतना अच्छा एक्सपीरियंस के होता है, क्योंकि उसके अंदर जो लैपटॉप है वो भी एप्पल ही मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है macOS वो भी एप्पल का खुद का ही है। बट विद विंडोज लैपटॉप्स प्रॉब्लम इज कि विंडोज तो माइक्रोसॉफ्ट की है, जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, बट इसे हर कोई कंपनी अपने लैपटॉप के अंदर घुसा देती है। तो ठीक है, वो उसके हिसाब से उसे अडेप्ट जरूर करती है, बट एक्सपीरियंस इतना ज्यादा स्मूथ और इतना बढ़िया नहीं होता। बट विद माइक्रोसॉफ्ट की सरफेस लाइनअप, अब क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर भी माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का है और सॉफ्टवेयर भी अपना खुद का ही है, मतलब विंडोज, तो आपको एक्सपीरियंस वो प्योर वैसे ही मिलता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट इंटेंड करता है कि आपको एक विंडोज से मिलना चाहिए। तो वही जो आपको एप्पल वाला एक्सपीरियंस मैकबुक्स के साथ मिलता है, वही आपको विंडोज वाला एक्सपीरियंस सर्फेस बुक्स के साथ मिलेगा। और प्लस इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी बाकी विंडोज लैपटॉप से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो जो ऐसा नहीं होता है कि यार अगर किसी के पास मैकबुक है तो दूर से पता लगता है कि भाई इसका महंगा हिसाब है, बढ़िया ये बढ़िया है कि हाँ भाई प्रीमियम और भाई सोफिस्टिकेटेड वाला मामला है। सेम विद सर्फेस बुक प्रो, मतलब भाई साहब इसमें भी हवाबाजी पूरी है। तो अगर मान लो कि स्टारबक्स में दो बंदे बैठे हैं जिसमें कि एक मैकबुक प्रो चला रहा है और दूसरा सर्फेस बुक 3 चला रहा है, तो मामला लगेगा कि हाँ भाई बराबर ही है। और खैर हवाबाजी ये सब ये तो बकवास बातें हैं, बट अगर मैं फंक्शनैलिटी की बात करूँ, परफॉर्मेंस की बात करूँ, प्रोडक्टिविटी की बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो सीरियसली अगर मैकबुक प्रो का कोई रियल कंपेटिटर है सारे टर्म्स में तो इट इज सर्फेस बुक 3। अगर आप वेट कर सकते हो 2-3 महीने और आप थोड़ा सा और ऊपर स्पेंड कर सकते हो, तो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू टू वेट फॉर दिस। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली नहीं बताया कि ये कब तक आ जाएगा, बस वेबसाइट पे वही कमिंग सून है, तो लेट्स होप जल्दी से आ जाए। या फिर आपका कोई रिलेटिव इंडिया में आने ही वाला है 2-3 महीने बाद आफ्टर पैंडमिक गेट्स ओवर, तो जस्ट कीप एन आई बाहर की वेबसाइट्स पे कि भाई इसके प्राइसेस क्या हैं और यू शुड गेट दिस वन सीरियसली। तो लास्ट लैपटॉप जो मुझे लगता है कि आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप एक प्रीमियम लैपटॉप देख रहे हैं विद अ पावरफुल प्रोसेसर, तो दैट इज रेजर ब्लेड स्टील 13। वैसे तो आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप टेक सेवी हो या आपको टेक्नोलॉजी वगैरह का शौक है तो आपको इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी पता होगा, बट जिनको नहीं पता, रेजर एक कंपनी है जो कि पावरफुल गेमिंग लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स या फिर उसकी एक्सेसरीज वगैरह बनाती है। अब पहले बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के डिजाइन और लुक्स के बारे में। तो पहले तो ये बिल्कुल ही मैट ब्लैक कलर का है और ये शार्प इसके एजेस हैं, थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन है, और जो सबसे ज्यादा अपीलिंग इसके बारे में वो है इसके ऊपर का ये 3-हेडेड स्नेक,
मतलब तीन सांपों का मुंह बना हुआ है जो कि मैट ब्लैक कलर में है, और ट्रस्ट मी ये बहुत सेक्सी लगता है। मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कि मुझे इस लैपटॉप के बारे में अपील करती है। और अब अगर मैं इसकी स्क्रीन के बारे में बात करूं तो ये है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन। तो बोले तो आपने कुछ फोन्स देखे होंगे, वन प्लस के फोन्स या फिर सैमसंग के जो भी लेटेस्ट फोन्स आए, कि जब उन्हें स्क्रॉल करते हो तो स्क्रीन बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती है, आपको एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये होता है रिफ्रेश रेट की वजह से। तो इस लैपटॉप का जो रिफ्रेश रेट है दैट इज सुपर हाई। फिर इसके कीबोर्ड के ऊपर ये RGB लाइटिंग, जो ये रेड ब्लू ग्रीन, जो कि आप चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। इसका ट्रैक पैड बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, कीबोर्ड बहुत सही है, और कोई भी इसके अंदर ऐसे डिजाइन फ्लॉज या परफॉर्मेंस इश्यूज वगैरह कुछ भी नहीं आते। तो दिस इज सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स जो कि मुझे लगता है। अच्छा, अब एक चीज और है कि लोग सोचते हैं कि यार रेजर का लैपटॉप है तो ये तो सिर्फ वही लेगा जो कि गेमर होगा। वेल, यू आर राइट इन सम वेज, बट ऐसा नहीं है। अब एक गेमिंग लैपटॉप के अंदर क्या होता है कि यार उसका रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इवन इफ आप गेमिंग नहीं करते या फिर आप थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग करते हो, तो व्हाट्स द हार्म अगर आपको ये गेमिंग लैपटॉप ही ले लो, बट आप बाकी वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आप एनीवे अपने लैपटॉप पे करते हो, बस वो थोड़ी सी और ज़्यादा फास्ट होंगी और बड़ी होंगी, क्योंकि प्रोसेसर तो एट द एंड ऑफ द डे पावरफुल है ना। तो इट्स नॉट लाइक कि आप गेमिंग लैपटॉप नहीं ले सकते क्योंकि आप गेमर नहीं हो। एक टाइम पे लोग गेमिंग लैपटॉप्स इसे कंसीडर नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी और बड़े होते थे, बट दिस लैपटॉप फ्रॉम रेजर, इवन इफ इट्स अ गेमिंग मशीन, ये लाइट वेट है, पतला है और दिखने में बहुत सेक्सी है। आई एम सॉरी, मैं ये अगेन एंड अगेन मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, बट दिस इज वॉट आई ट्रूली बिलीव, ये बहुत बढ़िया है लैपटॉप। और बाय द वे, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसके जो स्पेक्स हैं, मैंने आपको बाकी जितने भी लैपटॉप्स बताए हैं, इसके स्पेक्स उससे बेटर ही हैं एट कंपैरेटिवली लेसर प्राइस। तो मतलब आपको i7 का प्रोसेसर मिल जाएगा और आपको 16GB रैम मिल जाएगी और यू नो फास्टर SSD मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, बट इसका जो प्राइस है वो 1,25,000, 1,30,000 या 1,40,000 के आसपास है। और अगर आप यही कंपेयर करोगे विद अदर लैपटॉप्स तो उनका भी ऑलमोस्ट यही है, बट कॉन्फ़िगरेशन उनमें आपको i5 वगैरह मिलती है। तो दिस इज अ फास्टर लैपटॉप, अ बेटर लैपटॉप एट अ लेसर प्राइस। बट देन एट द एंड ऑफ द डे इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितने कंफर्टेबल हो किसी एक ऐसे ब्रांड का लैपटॉप लेने के लिए जो कि आपने आज तक नहीं लिया या आपने नहीं सुना, क्योंकि ये HP, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सारे रिनाउंड नेम्स हैं, आप इनके बारे में रोज सुनते हो, समझते हो, तो ये है कि हाँ यार ठीक है, आई एम सेफ विद इट। बट जस्ट टू टेल यू, रेजर इज इक्वली सेफ एंड इक्वली गुड कंपनी टू इन्वेस्ट योर मनी इन, अगर आप एक नया लैपटॉप ले रहे हो। सो माई पॉइंट इज कि इसके अराउंड बस आप अपने आप को इतना लिमिट मत करना कि यार गेमिंग लैपटॉप है तो मैं क्या करूँगा, मैं तो गेमर नहीं हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैपटॉप, सेक्सी लैपटॉप अगर आपको लेना है जिसकी कॉन्फिगरेशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ी हो, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर ये वाला लैपटॉप। बट देन अगेन, इंडिया में फॉर द टाइम बीइंग ये रेजर की वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है, अमेजोन पे भी मैंने चेक करा अवेलेबल नहीं है। सो ये सिर्फ वही ले सकता है जिसके कि यू नो रिलेटिव्स वगैरह थोड़े बहुत टाइम में बाहर से इंडिया में आ रहे हो। सो दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर दोज पीपल। सो व्हाट डू यू थिंक कि इन सब में से बेस्ट लैपटॉप कौन सा है, या फिर आपको लगता है कि इन चारों के अलावा भी कोई एक ऐसा लैपटॉप है जो कि मैंने मिस कर दिया हो? Do let me know in the comment section below. And by the way, आप क्या करने वाले हो? जो अभी दो लैपटॉप्स इंडिया में अवेलेबल हैं, MacBook Pro और Dell, क्या आप वो लेने वाले हो या फिर आप वेट करोगे और 2-3 महीने इनके प्राइसेस कम होने का, या फिर बाकी के जो मैंने आपको दो लैपटॉप्स बताए हैं वो आप अपने मामा चाचा ताऊ से बाहर से मंगवाने वाले हो? सो डू लेट मी नो एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हाई गाइज, दिस इज आयुष एंड यू आर वॉचिंग AJ9017। यहाँ बात करते हैं टेक्नोलॉजी की इन द इजिएस्ट वे पॉसिबल। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बोला था कि 2020 इज द वर्स्ट टाइम टू बाय अ मैकबुक प्रो। उस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करे और मुझसे सवाल करे कि अगर वो नहीं तो कौन सा लैपटॉप। स्पेशली परम, उनसे मेरी डिटेल्ड डिस्कशन हुई जहाँ पे कि हम फिगर आउट कर रहे थे कि यार अगर ये लैपटॉप ना ले तो कौन सा ले, और क्या अभी वेट करना लॉजिकल है या फिर अभी इमीडिएटली ले। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर परम को ये प्रॉब्लम आ रही है तो और ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि कंफ्यूज होंगे कि प्रीमियम लैपटॉप अगर वो लेना चाह रहे हैं
तो वो कौन सा लें और कब है वो बेस्ट टाइम जब उन्हें ले लेना चाहिए। सो दिस वीडियो वॉज अबाउट दैट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके कोई और कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, या आप अभी भी कंफ्यूज हो कि यार मुझे कौन सा लेना चाहिए, या आपको लगता है कि इन सब में से कोई और बेटर लैपटॉप भी है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट टू स्टे कनेक्टेड।